वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की दूसरी वर्षगांठ पर मंदिर परिसर में खास तैयारी की जा रही है। इस मौके पर कार्यक्रम तो होंगे ही, दीवारों को भी खास तरीके से सजाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सुबह मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन किया गया। जैसे ही शंख बजाए गए, पूरा मंदिर परिसर वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक और शुभ कार्य से पहले शंख बजाना शुभ माना जाता है। प्रातः काल से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, आज को दिन विशेष के रूप में लेते हुए और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया रहे हैं। सुबह वेद पारायण हुआ, शंख वादन, डमरू वादन, अभी विशेष रुद्राभिषेक है, फिर हम लोग हवन पूजन का भी कार्यक्रम रखा हुआ। कुल मिलाया कि आज दिन भर कोई न कोई कार्यक्रम चलेंगे। शाम को पूरे धाम में दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम रखा गया है। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे भक्तों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में मंदिर पूरी तरह बदल गया है। When I had come 20 years back, it was like गली गली and बहुत confusing था और cleanliness तो बहुत ही everywhere you could find the litter and everything. But today I'm seeing it, it's totally a different atmosphere, the vibe is different, very clean and the way it's maintained, the management, the trustees or whatever you can call them, it's done it very well. बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है एंड जो भी चेंजेस वो पूरा एविडेंट है, जो 2-3 इयर्स पहले था अभी जो चेंज हुआ है। सो पूरा आपका सिस्टम, जितना भी सिक्योरिटी सेफ्टी कंसर्न्स सब पूरा मैनेजमेंट पूरा चेंज हुआ है एंड पूरा जो नक्शा एक तरीके से बोलते हैं वो पूरा चेंज हो गया है, नॉट ओनली दिस टेम्पल बट पूरे वाराणसी का। इनफैक्ट बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले भक्तों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। पिछले 2 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं।